हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित का वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा है परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा करना, और बच्चों यहाँ लिखा है परिमेय संख्याओं में गुणा एवं भाग भिन्न संख्याओं के जैसे ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों करते हैं। लेकिन बच्चों, वर्कशीट नंबर 11 करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, वर्कशीट नंबर 11 करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों 9/7 गुणा -7/4। ठीक है बच्चों, इन दो संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है। तो बच्चों 9 का 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और 7 का 4 से गुणा कर देंगे। 9 7 63, और 4 4 का 7 से गुणा कर देंगे तो 4 7 28। ठीक है बच्चों, यह संख्या माइनस का था तो ये ऊपर वाली अंश वाली संख्या माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों 3 का गुणा हम 14 में कर देंगे। यहाँ लिख देंगे बच्चों 3 × 14, ठीक है, और बच्चों 11 का गुणा 5 में कर देंगे तो 11 × 5। ठीक है बच्चों, अब इसका गुणा कर देंगे हम ऊपर, 14 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना आएगा बच्चों 42। ठीक है, और बच्चों 11 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आएगा, 11 × 5 = 55, तो 55 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका तीसरा सवाल करते हैं। बच्चों यहाँ लिखा है -22/11 गुणा -21/11। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह संख्या, ये दोनों संख्या 11 के पाड़े से कट रही हैं, तो बच्चों यह संख्या 11 के पाड़े से एक बार कट रही है तो हम यहाँ एक लिख लेंगे, और ये 22 11 के पाड़े से दो बार कट रहा है तो यहाँ माइनस का 2 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस -2 का गुणा -21 से कर देंगे तो कितना आएगा, -2 × -21। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 1 का गुणा 11 का 11 में कर देंगे, 1 × 11 तो कितना आएगा बच्चों, -2 का गुणा -21 में करेंगे तो कितना आएगा 42। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 1 का गुणा 11 में कर देंगे, 11 × 11। तो चलिए बच्चों इसका अगला सवाल करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों -4/5 गुणा, और यहाँ लिखा है 5/12। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, इस 4 का गुणा हम इस 5 में कर सकते हैं, कितना आएगा बच्चों, -4/5। ठीक है, और बच्चों 12 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 × 12। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब बच्चों ये ऊपर अंश की संख्या हो गई -4/5, और नीचे हर की संख्या हो गई 5 × 12। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 5 को काट देंगे, ठीक है बच्चों, और बच्चों इस 4 से इस 12 को भी काट सकते हैं, 4 × 1 = 4। ठीक है, 4 × 3 = 12। तो बच्चों क्या उत्तर आएगा, ऊपर की संख्या क्या बची, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और नीचे कितना बचा, 3, तो बच्चों यहाँ 3 लिख दिया, तो यही इसका उत्तर हो गया बच्चों। अगला सवाल करते हैं बच्चों इसका। अब बच्चों क्या करना है हमें, इस 1 का गुणा 8 में कर देंगे तो 1 × 8। ठीक है, 10 का गुणा 3 में कर देंगे तो 10 × -3 है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। ठीक है, अब बच्चों इसका गुणा कर देंगे हम 8 × 8। ठीक है, और 10 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, -3। ठीक है बच्चों, तो आप ये इसका उत्तर लिख सकते हो, या फिर इसको छोटा करके भी लिख सकते हो। जैसे कि बच्चों 2 के पड़े से इसको काटेंगे, कितना बार कटेगा, 2 × 8, और 2 के पड़े से 30 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार। ठीक है बच्चों, तो ये इसका उत्तर हो गया, माइनस का लगा देंगे। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बच्चों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री पुस्तक के सभी वर्कशीट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चों इसका अगला सवाल करते हैं।
बच्चों यहाँ लिखा है 1/8 और ये भागित 3/4। तो बच्चों इस वाली संख्या में हमें भाग देना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे हम, बच्चों ये 1/8 को यहाँ 1/8 लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया है बच्चों, इस भाग के चिन्ह को हटाकर यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये संख्या आपस में पलट देंगे, यानी कि हर वाली संख्या अंश में चली जाएगी और अंश वाली संख्या हर में आ जाएगी। जैसे कि 1/8 का 8, ठीक है। अब ये 4 ऊपर लिख देंगे और 3 नीचे लिख देंगे, तो 4 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, 4 का गुणा 1 में कर देंगे, 4 एकम 4, और 3 का गुणा 8 में कर देंगे, 3 अट्ठे 24। तो आइए बच्चों इसका अगला सवाल करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है 3/13, तो हम लिख देंगे 3/13, ठीक है। और बच्चों यहाँ भाग का चिन्ह लगाया तो हम क्या लगा देंगे, गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये संख्याओं को आपस में पलट देंगे, 65 ऊपर कर देंगे और 4 को नीचे कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चों, 65/4, ठीक है बच्चों, या -4, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब बच्चों हम इस संख्या को आपस में काट सकते हैं। तो बच्चों यहाँ 13 से ये 65 कट सकता है, तो 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, 3 और 5 का गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15, ठीक है। और 4 और 1 का गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, ये -1, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है बच्चों -3/5/2। तो बच्चों यहाँ अंश वाली संख्या में 2 है और हर वाली संख्या नहीं है, तो बच्चों हम किसी भी संख्या के नीचे यानी हर को 1 मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ हमने 1 मान लिया, अब क्या करेंगे बच्चों, हम -3/5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, -3/5, ठीक है। और यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे भाग के चिन्ह को हटाकर, और ये संख्या आपस में पलट देंगे, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 का गुणा 1 से कर देंगे, कितना आएगा, 3 एकम 3, ठीक है। और 5 दूनी 10, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। अगला सवाल करते हैं बच्चों। -7/12, भाग के चिन्ह को हटा के गुणा का चिन्ह लगाया और ये संख्या आपस में पलट देंगे, तो 13/-2। अब क्या करेंगे बच्चों 13 और 7 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चों, 91। 13 और 7 का गुणा कर दिया बच्चों, तो कितना आया, 91, ठीक है। और 12 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 24, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों यहाँ माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आएगा बच्चों, 91/24, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। अगला सवाल करते हैं बच्चों। -1/8, तो यहाँ मान लें, तो हम लिख लेंगे यहाँ -1/8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस चिन्ह को हटाकर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये संख्या आपस में पलट देंगे, तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 4 का और 1 का गुणा कर सकते हैं, तो 4 एकम 4 माइनस का, ठीक है। और 8 का 3 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 24, तो यही इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों हम, ठीक है। तो आइए बच्चों हम प्रयास करके कुछ और सवाल करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है 1 आयताकार पार्क की लंबाई 183/5 मीटर एवं चौड़ाई 50/3 मीटर है, पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें पार्क का क्षेत्रफल बताना है, तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लंबाई ये दी है तो हम यहाँ 183 लिख लेंगे, 183/5, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है बच्चों, 50/3, तो हम इसका गुणा कर देंगे इसमें, 50/3, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस 5 से 50 को काट सकते हैं, कितना आएगा, 10, 10 बार कटेगा। और इस 3 से
183 को काट सकते हैं, तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18 और ये 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब कितना उत्तर आया, 61 गुणा 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 61 गुणा 10 मतलब 10 का गुणा 61 में कर देंगे तो कितना उत्तर आएगा बच्चों, 610। तो बच्चों यही इसका उत्तर होगा मीटर। ठीक है बच्चों, इसका अगला सवाल करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है बच्चों, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो चलिए बच्चों इस सवाल को करते हैं, यहाँ लिख दिया बच्चों हमने हल। तो बच्चों एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो हमें बताना है 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चों हम 1020 में 25/6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1020 गुणा 25/6। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, हम इस 6 से इस 1020 को हम काट सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 एकम 6। ठीक है, और ये 6 एकम 6, इसमें से 4 बचे, इसको दे दिए कितने हो गए 42, तो 6 7 42। ठीक है, और 0 का 0, तो कितना उत्तर आया बच्चों, ये पूरा 170 बार कट जाएगा 6 के पहाड़े से, तो कितना उत्तर आएगा बच्चों, 170 गुणा 25। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 170 और 25 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 4250। ठीक है बच्चों, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। इसका अगला सवाल करते हैं बच्चों, यहाँ लिखा है बच्चों, किसी कमरे का क्षेत्रफल 261/4 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 19/3 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो चलिए बच्चों इस सवाल को करते हैं, यहाँ लिख दिया बच्चों हमने हल। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों कमरा आयत के प्रकार का होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, कमरे का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम बच्चों, क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, 261, तो हम यहाँ लिख देंगे 261/4। ठीक है, और बराबर लंबाई, लंबाई दिएगा लंबाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी है बच्चों, 19/3, तो हम यहाँ लिख देंगे 19/3। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों हम, अब बच्चों ये लंबाई हमें निकालनी है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, 19/3 से 261/4 में भाग दे देंगे, तो क्या आएगा बच्चों, लंबाई बराबर 261/4। ठीक है बच्चों, भागित 19/3। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों हम, अब बच्चों क्या करेंगे हम, अब ये संख्या बच्चों इसी प्रकार यहाँ लिख लेंगे 261/4 और ये भाग के चिन्ह को हम हटाकर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये संख्या आपस में पलट देंगे, तो कितना आएगा, 3 गुणा 19। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों हम, 261 का गुणा 3 में कर देंगे और 4 का गुणा 19 में कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 261 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 783। ठीक है, और बच्चों 19 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 76। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बच्चों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी वर्कशीट आसानी से कर सके। तो चलिए बच्चों इसका अगला सवाल करते हैं, यहाँ लिखा है बच्चों, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को 26 बराबर टुकड़ों में काटा जाएगा तो हर टुकड़े की लंबाई
क्या होगी। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं। यहाँ लिख लिया बच्चों हमने हल, ठीक है। तो बच्चों हमें 143 बटे 2 मीटर लंबे तार को 26 बराबर टुकड़ों में काटना है। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 143 बटे 2 को 26 से भाग दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 26, और बच्चों इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब 143 बटे 2 भाग के चिन्ह को हटा के हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये संख्या आपस में पलट देंगे, कितना आएगा 1/26, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 143 का गुणा 1 में कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, 143, ठीक है, और 26 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना आएगा 52, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही इसका उत्तर होगा। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों आप यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी वर्कशीट आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।